कुर्सी पे क्लिक करके ठीक करना, प्रोफाइल आपके ऊपर आ रही होगी, उस पर आपने क्लिक करना है और उस पर जाके आप प्रोफाइल सेट कर लें। कोर्सेज पे जो है ना, आपके सारे कोर्स रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल में कोर्सेज में आपको आपका जितना भी हमारा मटेरियल है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। स्लाइड्स, आपको असाइनमेंट जो मिली है वो वहाँ से मिलेगा। और प्रोफाइल जो सेट करनी है आपने, राइट टॉप पे जहाँ पे एक पिक वाला एक है ना वो नजर आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल सेट कर सकेंगे। जी चेक करें, अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं। ये यूआरएल का क्या करना है? आप यूआरएल को अभी छोड़ दें।
अच्छा, ये यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अकील है, मोहम्मद अकील। जिनकी जो है लेकिन हाजिर नहीं है अभी। जिनका ईमेल एड्रेस है अकील अहमद 143 @gmail। हाँ शायद वही है। अच्छा, सर काइंडली मुझे होस्ट बनाए ताकि मैं इनको ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। ये जो है हमारे पास पोर्टल जो है इसका। अच्छा, और उसके बाद जो है मोहम्मद अमार है, मोहम्मद अमार यहाँ पर।
अच्छा ये जो जितने भी न्यू लोग हैं ये जो है वो कार्ड आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो अपने पोर्टल को यूज़ करना है, ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। यूज़ कार्ड जो है वो मैं आपको ये अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, तो काइंडली जो है वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ना इनको जो है वो समझा दें कि किस तरीके से इन्होंने रिसोर्स कहाँ चेक करने हैं एंड बाकी असाइनमेंट्स वगैरह होंगे तो वो सबमिट करनी है एक्टिविटीज और बाकी जो भी प्रोसीजर है प्लीज वो आप इनको जरा बता दीजिएगा। जी सर, ठीक सर। सब लोग आ जाए ज्वाइन कर ले, फिर मैं आप सबको ओवरव्यू देता हूँ। सबको सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी स्क्रीन आ रही है आपकी। अच्छा ये ऐसा है कि यहाँ से हम जो है लॉग इन करेंगे अपनी आईडी में और ये कोर्सेज पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से ये जाएंगे इस लिंक पे और यहाँ स्टार्ट पे, यहाँ से सारे जितने भी हमारे हमारा जो कोर्स रिलेटेड मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे स्टार्ट में ओवरव्यू में, ये फर्स्ट है ओवरव्यू उसका, इसमें वो सारी जो है सर ने शेयर की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर रिसोर्सेज, ये सारी स्लाइड जो है हमारे कोर्स रिलेटेड सारी हो यहाँ पे शेयर हुई हुई है। यहाँ से हम से हम नेक्स्ट करके इसको चेक कर सकते हैं और ये सारी देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट, ये सारा जितना मटेरियल है यहाँ से आप ले सकते हैं। जो उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अमेज़न, इसमें हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जितनी भी असाइनमेंट थी वो सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई आपको असाइनमेंट मिलती है तो वो भी आप यहाँ से जाके उसको
ये सर ने असाइनमेंट दी थी, तो यहाँ इस पे जाके हम क्लिक करेंगे, हमारे पास असाइनमेंट आ जाएगी जो सर ने एक्टिविटीज दी थी। ये एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज वन पार्टीज अमेज़न। अब इसके हमने आंसर देने थे, उसके आंसर कहाँ थे, ये यहाँ पे ये जो जगह है एक्टिविटी थ्री एक्टिविटी टू एंड एक्टिविटी वन, उसमें हम यहाँ पे इसको ये आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा ये जब हम कोई चीज शेयर करते हैं यहाँ पे इसके अलावा जो है यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, यहाँ से हम अपलोड करेंगे कोई भी फाइल होगी उसका टाइटल देंगे, चूज फाइल करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमने यहाँ से शेयर कर दिया है, जो शेयर करेंगे वो शेयर टू एवरीवन करेंगे, ओनली मी नहीं करेंगे। अगर ओनली मी करेंगे तो जस्ट हमें शो होगी, और एवरीवन करेंगे तो सब कुछ होगी। ये करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ से सबमिट कर देना है, और ये यहाँ पोर्टल पे हमारी असाइनमेंट होगी वो सब कुछ शो हो जाएगी। उसके अलावा हम यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारा कोर्स रिलेटेड मटेरियल है, वो यहाँ से सारा आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ से असाइनमेंट जो मिली थी, जो एक्टिविटीज मिली थी, वो अगर आपने देखनी है तो ये यहाँ से सबकी शेयर हुई है, वो आप सबको यहाँ से मिल जाएगी। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप लोग ये देख रहे हैं, इसके जो टॉप राइट है, ठीक है, वहां पर आपको जो एक लाइव का जो है वो ऑप्शन ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो जब भी सुबह जो है वो आपको 9 बजेंगे, ठीक है, जब क्लास का टाइम शुरू होगा, तो जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आएगा वैसे ये आपका ये लिंक जो है वो भी क्या इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तो चाहे यहाँ से भी आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं इस मीटिंग को, ठीक है, या फिर जो आपको ग्रुप में जो है वो जो दिया जाता है, जो लिंक आपको दिया जाता है, आप चाहे तो आप वहां से भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है, अच्छा इनको जो है वो आप अटेंडेंस भी दिखा दें इनकी। ये है आपका स्टार्ट, जहाँ से हम लॉगिन करते हैं अपनी आईडी में, और ये दो कॉलम हमारे पास सामने है, एक कोर्स और दूसरा अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस चेक करनी है तो हम अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और हमें ये सारी अटेंडेंस नजर आ जाएगी। उसके बाद व्यू में क्लिक करेंगे और ये बाय डेट आप यहाँ से अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। ये प्रेजेंट और इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी है जिसका सर ने कुछ चीज शेयर की है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको जितने भी न्यू चीज होंगी तो वो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, सबको आ गई समझ? अच्छा ये जो है वो इनको लॉगिन का बता दें प्लीज, कि इनको लॉगिन का जो है वो अगेन बता दीजिएगा। जी सर, लॉगिन जो है ना, आप यहाँ से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे चले जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बेशक आप अपना पासवर्ड सेव कर लें, या जब आपको जो लिंक
आपकी आईडी में मिला होगा, और इवन के रोजाना आपको मेल जो है ना वो इसी ये जो है इस एड्रेस से आपको रोजाना मेल में भी सेंड कर दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपनी आप मेल आईडी देंगे और अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इसी पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, ये जो इसका जो लॉगिन पेज का एड्रेस है ना वो आप प्लीज इधर जो है वो नोट्स में इनको दे दें, ताकि किसी को नहीं मिलता तो वो जो है वो यहाँ से ले लो डायरेक्टली, जो है वो अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करेगा तो वो फिर उस प्रोफाइल पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अपनी लॉगिन डिटेल्स जो भी है वो यूज करके फिर इसमें जो है वो कोर्स के अंदर इसमें आ जाएगी अपने पोर्टल में। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। ये जो आपकी अटेंडेंस है वो ऑटो जनरेटेड, हाँ बेसिकली जो है वो उधर से आपको तो ऑटो जनरेटेड मिलेगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर इधर से जो है वो मैन्युअली इसको एंटर किया जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है वो हम लेक्चर के बाद लेते होते हैं। ठीक है, जब लेक्चर एंड होता है उस वक्त अटेंडेंस होती है, तो वो फिर उसी वक्त जो है वो आपकी अटेंडेंस लेके पोर्टल पर जो है अपलोड कर दी जाती है। तो जो है वो फिर वो आपको प्रोडक्ट जो है वो आपके अकाउंट ये जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप के जो है वो सब लोगों के ये क्वेश्चंस ये क्लियर होंगे पोर्टल वाले। ठीक है, और अगर किसी को फिर भी स्टिल कोई इशू है तो वो फिर बता देगा, वो जो है उसको देख लेंगे। ये अच्छा, एंड यहाँ पर कोई ऐसा है बंदा जिसको जो है वो मेल नहीं आई है उसके अकाउंट में, ठीक है, तो वो मुझे बता दे, मैं जो है वो उसको देख लेता हूँ। एज पर मेरे पास रिकॉर्ड में जो है अब आप सब लोगों के नेम शो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई मीटिंग में है और उसके पास वो नहीं है, पोर्टल का लॉगिन नहीं है अभी तक, तो वो मुझे आप प्लीज बता देंगे। एंड मीनवाइल जो है वो आप लोग ये मेक श्योर कीजिएगा आप सारे जो है वो इस ग्रुप में ऐड है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया होगा। ठीक है, ये GCTBWPVA मॉर्निंग के नाम से ये ग्रुप है। जो भी आपकी अनाउंसमेंट्स होती है वो इसी ग्रुप के अंदर होती है, तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है वो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं है तो वो जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों स्टूडेंट्स ने अपना सेपरेट ग्रुप भी बनाया हुआ डिस्कशन के लिए, तो वो जो है वो उनके एडमिन जो भी हैं वो भी यहाँ जो है वो लिंक उसका दे दे, ताकि ये लोग जो है वो उसको भी ज्वाइन कर ले। ठीक है,
Thank you.
अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो हमने देखा था कि अमेज़ॉन के ऊपर जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं उनका क्या होता है हिसाब किताब, और जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, और इसको अगर कोई आ जाए तो फिर हम जो है वो उनको डील कैसे करना पड़ता है। सही है, तो इस चीज़ में किसी को कोई है इशू तो मुझे बता दें, हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, अदरवाइज जो है वो फिर हम आगे देखते हैं कि बेसिकली ए टू जी गारंटी क्लेम्स क्या होते हैं और उनको जो है वो कैसे टैकल करते हैं आप लोग, कैसे उनको वो आ जाए तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। अच्छा जी, चलें जो है वो कोई कुछ नहीं है किसी को, तो इसको आगे देखते हैं। अच्छा, ए टू जी, अब बेसिकली यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर क्या होता है, अमेज़ॉन जो है वो आपको अलाउ करता है कि फॉर 30 डेज ऑन योर परचेज के, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज परचेज किया है और नेक्स्ट 30 डेज तक अगर आपको प्रोडक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है या व्हाट्सएवर जो भी आपके कोई इशू आ गया है तो आप वो उसको रिटर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन जो है वो आपको इसमें जो है ये फैसिलिटेट करता है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा एक रिटर्न का प्रोसीजर। देन ये जो है वो म्यूट कर लेंगे किसको। ठीक है, अच्छा देन फिर उसके बाद क्या आता है कि अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब चीज ऑनलाइन चल रही होती है। ठीक है, हमने नहीं देखा होता कि पैकेज के अंदर जो है वो हमें बेसिकली क्या मिलने वाला है, तो इस वजह से ये सब जो है वो ट्रस्ट के ऊपर होता है। अब जो है वो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि मीन्स आपने जो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट देखी है और वो जब एक्चुअली आपको डिलीवर हुई है तो वो वैसी नहीं थी, मीन्स के इसको अमेज़ॉन की लैंग्वेज में बोलते हैं नॉट सेम एज डिस्क्राइब्ड, कि मतलब जिस तरीके से वो आपको बताई गई थी वो वैसी नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है वो अमेज़ॉन आपको कहते हैं कि यस आप क्लेम ओपन कर सकते हैं और ए टू जी क्लेम इसको जो है हम बोला करते होते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर जो है वो आप नोट करेंगे, जो ए टू जी क्लेम होता है वो बेसिकली जो है वो अमेज़ॉन की जो आप यूँ कह रहे हैं कि जो बाउंड्रीज है उसमें जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये वाला क्लेम होता है। ठीक है, अमेज़ॉन उसके ऊपर जो है वो बेसिकली अकाउंट सस्पेंड कर देता है, बाकी ये सारे जो है वो क्लेम हैं तो उसमें जो है वो अमेज़ॉन आपसे कुछ ना कुछ जो है वो कंपनसेट कर जाता है और आपको मतलब के आपके साथ नेगोशिएट करता है। बट इन केस के अगर तो जो है वो ए टू जी क्लेम आ रहे हैं आपके अकाउंट के ऊपर और मींस आप जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो मींस आप एडवर्टाइज कुछ कर रहे हैं और बेच आप कुछ और रहे हैं, बायर्स को कुछ और भेज रहे हैं गिफ्ट में डाल के बॉक्स में डाल के, तो फिर जो है वो इसके ऊपर अमेज़ॉन बड़ा रिस्ट्रिक्ट है और वो क्या करता है वो फिर डेफिनेटली जो है वो पेनलाइज करता है सेलर्स को और वो जो है वो समटाइम जो है आपके जो अकाउंट्स होते हैं बेसिकली उनको भी जो है वो क्या करता है वो सस्पेंड कर देता है। इसको जो है वो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्लेम्स में जाके, ये है आपके परफॉर्मेंस में आप जाएंगे और आपके पास आ रहा होता है ए टू जी गारंटी क्लेम। ठीक
ठीक है, इस नेम के ऊपर। तो यहाँ जो है वो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको ये जो क्लेम होंगे वो बेसिकली आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो भी होंगे। अभी यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा क्लेम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आता है इस टाइप का तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। और एक्शन रिक्वायर्ड बाय द सेलर वो भी आपको यहीं पर नजर आ रहा होगा, अंडर रिव्यू होगा तब भी नजर आ रहा होगा, और ऑप्शन पे अपील होगा। मीन्स के अगर आप मीन्स आप चाहते मतलब आप समझते हैं कि ये जो क्लेम आया वो सही नहीं है, ठीक है, आपकी लिस्टिंग के ऊपर मीन्स के जो है वो ये कह सकते हैं जो बायर है वो असल में आपने एक्चुअली इसको वी प्रोडक्ट शिप किया बट बायर जो है वो आपके साथ मीन्स के वो नहीं कर रहा, वो लाइक के जो है वो किसी एक जो शिपिंग कंपनी है उसका भी तो उसमें हो सकता है कि उसने जो है वो आपका जो पार्सल है वो मिस कर दिया हो या और कोई वजूहत हो गई हो। तो इसकी इस बेसिस के ऊपर जो है वो फिर अमेजोन आपको भी चांस देता है कि आप अमेजोन को जो है वो सारा जो केस है वो एक्सप्लेन करें। बट ये है कि फिर अगर आप जो है वो फेल हो जाते हैं उस केस को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो फिर जो है वो अमेजोन डेफिनेटली बायर को तो रिफंड करता ही करता है, बट उस केस में फिर ये होता है कि फिर आपका जो सेलर अकाउंट होता है, और ये हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं कि जो सेलर अकाउंट की हेल्थ होती है बेसिकली वो आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसकी बिहाफ के ऊपर कैलकुलेट की जाती होती है, डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पर। तो उसमें से ये है कि फिर ये एक ए टू जी वाला जो है वो एक बहुत सीरियस आदमी का लेकिन मैट्रिक होता है यहाँ पर, तो इसको जो है अमेजोन हिट करता है। और अगर दो तीन इस तरीके के केस आ जाए आपके अकाउंट के ऊपर तो देन जो है वो अमेजोन आपके अकाउंट को जो है वो क्या करता है, सस्पेंड कर देता होता है, ठीक है। इसमें जो है वो यही है कि अगर आपके पास ये ए टू जी जो है वो क्लेम आ गया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बेटर यही होता है कि बजाय आप जो है वो बायर के साथ लड़ने के या व्हाट्सएवर इस तरीके के जो है वो झगड़े करने के, ठीक है, आप सिंपल सिंपल जो है वो उसको रिफंड करें, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट तो रिफंड करनी करनी है, जो आपने उससे पैसे लिए हुए थे वो तो आपने ऑर्डर का रिफंड करना ही है, साथ में आप ट्राई करें तो उसको जो है वो एक और यूनिट भी क्या करें एक्स्ट्रा से जो सही वाला है वो भी आप क्या करें शिप आउट करवा दें, ताकि जो है वो ये जो केस है वो जल्दी से सॉल्व हो। और कोशिश करवाएं कि जो है वो बायर खुद ही जो है वो इस केस को क्या करे क्लोज करवा दे, वन अदरवाइज ये कि जितने टाइम जो है वो ओपन रहेगा ये फिर जो है वो आपके अकाउंट के लिए जो है वो क्या करेगा मींस के आपको जो है वो ये फिर मसला बनाता रहेगा। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि ए टू जी क्लेम जब आता है तो फिर आप जो है वो उसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो यहाँ पर आपके पास होती है डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अभी जो है वो ये बेसिकली अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो आपको यहाँ पर कोई रिपोर्ट्स वगैरह नजर नहीं आएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप रिपोर्ट्स के अंडर टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी बिजनेस रिपोर्ट्स। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी ये बेसिकली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो बहुत काम आती होती है, ठीक है। और यू समझ लें कि मीन्स कि ये आपको जो है वो पूरा डेटा जो है वो बेसिकली वो दे रही होती है कि मीन्स के उस अकाउंट के ऊपर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है। और उसकी सेल्स क्या है, ठीक है, और उसकी ट्रैफिक क्या है, उसकी कन्वर्जन क्या है, सही है, और मीन्स सेशन क्या बन रहे हैं और कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी कन्वर्ट हो रही है, कितनी जायज जा रही है, सही है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो बेसिकली आपको यहाँ से मिलती होती है, ठीक है। आप जो है वो सेल्स डैशबोर्ड से नीचे आप सेल्स एंड ट्रैफिक में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो कुछ मैट्रिक्स आप वो समझ लेंगे। ये देखेंगे जो है वो आपके पास एक सेशन आ रहा होता है, यहाँ पर जो है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपके पास इसका फुल फ्लेज जो है वो डाटा शो रहा होता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, यूनिट्स कितने ऑर्डर हुए हैं। अब अच्छा, यूनिट्स और प्रोडक्ट की सेल्स में आप जो है वो ये फर्क होगा, और टोटल ऑर्डर आइटम्स भी यहाँ पर ये इनको देख लें कि अगर
जो है वो अब जो है वो फॉर एग्जांपल दो लोग आए, ठीक है, ये यहाँ पर बात को सुनिएगा कि इसने भी एक ऑर्डर प्लेस किया और इसने भी एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, इन दोनों का एक ऑर्डर काउंट हो जाएगा कि मीन्स हमारे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं, दो आए, बट उसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट भेज रहा था जो कि वो अगर इस्तेमाल होने वाली है, इसने जो है वो मुझसे तीन यूनिट प्लेस कर लिए, मीन्स जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप जो है वो बॉटल्स लेने गए बाजार से, आपने कहा कि मुझे दो बॉटल्स या तीन बॉटल्स दे दें जो भी है व्हाट्सएवर, ठीक है, और इसने भी कहा कि मुझे जो है वो आप तीन या चार जो भी आप दे दें, ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास ऑर्डर यहाँ पर शो होंगे कि कितने आए हैं, दो आए हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर्स के अंदर जो आपके यूनिट्स बिके हैं वो कितने बिके टोटल, वो आपको यहाँ पर शो होंगे, और उसके अंदर जो टोटल सेल हुई है वो आपको क्या होगी, यहाँ पर जो है वो शो हो रही होगी। अच्छा, ये तो था बेसिकली सिंपल सी चीज, ये आप देख लेंगे, ये जो बातें हैं वो आपकी समझने वाली है। यहाँ पर पेज व्यूज सेशन बाय बॉक्स परसेंटेज एंड यूनिट सेशन परसेंटेज, ठीक है, ये आप चार चीजें जो है वो बड़े इंपॉर्टेंटली जो है वो सुनेंगे। ये जो है वो अक्सर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काम आती होती है, और मीन्स जब के जब मीन्स के कोई सेलर आपके पास आए कि अच्छा जी मतलब कि जो है वो मेरा चला हुआ है लेकिन जो है वो उसके अंदर सेल्स नहीं आ रही, तो उसका क्या किया जाए, तो वो उस केस में फिर यही होता है कि फिर आप जो है वो क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि अच्छा आप मुझे आप बताएं जो है वो मैं आपको इसका जो है वो सोल्यूशन निकाल के देता हूँ, इसकी जो है वो ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो है वो पेज व्यूज को समझ लें, पेज व्यूज क्या होते हैं, एक जो बायर आया और उसने क्या किया, इधर आके लैंड किया, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर अपनी भी प्रोडक्ट जो है वो लिखते हैं, ठीक है, और मैंने जो है वो इसको आके यहाँ पर मूव किया, देखिए मैं इसके ऊपर जो है वो माउस लेके आया हूँ, ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्या हुआ, इंप्रेशन पर आया आके, सही है, ये इसके ऊपर क्या पड़ा है, ये इंप्रेशन पड़ा है, और इधर जो है वो ये चीज आपको काम पर नजर आएगी, ये अच्छा इंप्रेशन इधर ये नहीं दिखा रहा ये आपको, ठीक है, इंप्रेशन वाला मैट्रिक्स नहीं है इसके अंदर, ये चीज आपको इंप्रेशन पड़ा, इंप्रेशन बेसिकली पीपीसी में आपको जो है वो सही नजर आते हैं, ठीक है, और ये इंप्रेशन पड़ा इसके साथ, जितनी देर तक माउस ओवर रहा इसके ऊपर ये एक इंप्रेशन पड़ गया। अब आपने क्या किया, इस पेज को जो है वो ओपन कर लिया है, ठीक है, अब आपने इसको एक तो आपने इस पेज को व्यू भी कर लिया, ठीक है, मींस के जो है वो मैंने इस पेज को इस डिटेल्स को जो है वो मैंने देखा है, तो ये मैंने इसको क्या किया, ये मैंने इसको एक पेज व्यू हो गया, ये वाला एक पेज व्यू हुआ, प्लस उसके साथ साथ एक सेशन भी बन गया इसके साथ मेरा, कि मींस एक बंदा आया था उसने ये किया हुआ टाइप किया और ये प्रोडक्ट ओपन की थी। अच्छा, अब जो है वो मैंने इसको बंद किया एंड जो है वो फिर मैंने इसको अगेन ओपन कर लिया, ठीक है, अब आप दोबारा देखेंगे, अब ये अगेन जो सेशन है ना बेसिकली वो चेंज नहीं हुआ होगा अभी, ठीक है, और लेकिन जो पेज व्यू है ना वो बेसिकली चेंज हो गया होगा, सेशन चेंज नहीं होगा, इसकी बात की गारंटी हम कहां से लेते हैं, ये देखें जरा, मैं आपको जो है वो इसका जो यूआरएल है वो एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर होगा क्यू आई डी होगी जो कि बेसिकली सेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये है आपके पास क्यू आई डी इसकी, ठीक है, ये इस वक्त जो है वो क्यू आई डी है 1604902095, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा बंद करते हैं, ठीक है, और दोबारा जो है वो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, एंड अगेन जो है वो इसका एक और जो है वो देखते हैं जरा,
अच्छा, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 160 490 490 2095 2095, ठीक है। तो मींस ये जो क्यू आई डी है ये सेम रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जितनी दफा जो है वो इस पेज को जो है वो बंद करके ऑन करता जाऊंगा, दोबारा दोबारा खोलता जाऊंगा इस पेज को, तो उस वक्त जो है वो ये जो मेरे इधर पेज व्यूज हैं बेसिकली वो तो काउंट होते जाएंगे। मीन्स बताएगा अमेजोन के एक बंदे ने या 10 बंदों ने या 20 बंदों ने इतनी दफा पेज को ओपन किया, तो ये पेज जो है वो मीन्स ओपन हुआ, तो ये आपके नंबर ऑफ पेज व्यूज से बढ़ते जाएंगे। बट ये जो सेशन है, ठीक है, ये सेशन जो है वो बेसिकली अब आपके साथ एक लग गया हुआ इसका, ठीक है। और ये सेशन का एक टाइम फ्रेम होता होता है, ये उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद जाके जो है वो एक्सपायर होता है, ठीक है। देन जो है वो फिर आप आएंगे तो आपका कितने सेशन बनेगा। सेशन मीन्स कि जब भी कोई यूनिक बायर आता है तो ठीक है उसका एक अलग से जो है वो सेशन बन जाता है। आप इसको बस आप इसको यूं समझ लें एक आसान लफ्जों में, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली है आपके पास, इस चीज को जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जी सेशन और पेज व्यूज के अंदर आपको ये फर्क नजर आएगा, ठीक है। मीन्स दोबारा दोबारा आप पेज ओपन करते जाएंगे तो वो आपका जो सेशन है बेसिक पेज व्यूज है बेसिकली वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट सेशन जो है वो आपका क्या होगा ये आप देखेंगे यहाँ पर सेम रहेगा। बट जो है अगर हम ये आज नोट कर लेते हैं, ठीक है, और कल हम दोबारा उसी प्रोडक्ट को आके ओपन करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो जब वो ब्राउजर की कैशिंग एंड कुकीज जो है अगर वो उस टाइम फ्रेम तक जो है वो एक्सपायर हो चुकी होंगी, ठीक है, उस इस सेलर के इस पेज के साथ, ठीक है, इंटरनेट पे इस वेब पेज के साथ, देन जो है वो फिर क्या करेगा एक नया सेशन जनरेट कर देगा। अदरवाइज जो है वो ये इसका एक टाइम फ्रेम होता है और वो टाइम फ्रेम कितना होता है ये अमेजोन के जो है वो बैकएंड इनसाइड अमेजोन होता है। जी अच्छा, उसके बाद जो है वो अब हमें ये बातें पता चल गई कि पेज व्यूज और बेसिकली सेशन के अंदर क्या फर्क होगा, ठीक है। अब बार बार अगर हम किसी एक पेज को ओपन करते रहेंगे तो वो पेज व्यूज बढ़ते रहेंगे, जबकि सेशन जो है वो बेसिकली सेशन हमारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है, सेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इस बात की जो है वो हमें यहाँ पर समझ जो है वो लग गई। और अब जो है वो नेक्स्ट आते हैं आपके पास बाय बॉक्स का परसेंटेज। अब इन इन सब इकट्ठे फैक्टर्स को मिलाकर जो है वो कैसे चेक करते हैं ये मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप वन बाय वन इन फैक्टर्स को जो है वो समझ लें कि ये इनका बेसिकली रोल एंड फंक्शन क्या होता होता है। फिर आता है आपके पास बाय बॉक्स की परसेंटेज। अब जो है वो अभी आपने जो है वो क्या किया कि आपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की अमेजोन के ऊपर, सेल्स आने शुरू हो गई। अब आपके दिल में लालच आ गया, अच्छा भाई जो है वो ये प्रोडक्ट बिक तो रही है, थोड़ी सी जो है वो जरा और प्राइस हाई कर दी जाए ताकि जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका जरा इंक्रीज हो जाए और मतलब आपके पास अच्छा एक प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने थोड़ी प्राइस इंक्रीज की, देन अगेन स्टिल सेल्स वही है जो पहले लो प्राइस पे थी, अभी भी वही सेल्स आ रही है। आपने क्या किया, आपने अगेन थोड़ी सी और प्राइस उसकी इंक्रीज कर दी, सो ऑन, इस तरीके से चलता गया। इसके जो है वो बैकएंड के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो बाय बॉक्स का यूनिट ये परसेंटेज होता है ना, ये बेसिकली आप लो होना शुरू कर देते हैं ये वाला, ठीक है। मींस के क्या करता है कि अब हमने क्या देखा था कि बाय बॉक्स अगर किसी को याद हो को एक्सप्लेन करेगा कि क्या है और ये इसका क्या रोल होता है इसमें, ये मैंने आपको जो है वो बड़े डीपली जो है वो समझाया था। हाँ जी, कोई बंदा
ये जितने भी सारे जो पुराने लोग बैठे हैं, किसी को जो है वो नहीं पता कि बाय बॉक्स क्या है और ये किसको? सर बाय बॉक्स बेसिकली एक अमेज़न का एल्गोरिथम होता है जो अमेज़न यूज करता है कि एक बंदे ने प्राइस के लिहाज से, कि एक बंदे ने फॉर एग्जांपल प्राइस है किसी प्रोडक्ट की $15, उसके बाद जो है ना किसी और बंदे ने देख लिया प्राइस, उसकी प्राइस को देखता है सर, उसके बाद उसकी जो है रोटेट करता है सर, ये नेक्स्ट जो है ना उसके जो उसके कीवर्ड जो है उनके हवाले से ये रोटेट करता है सर। ये सब लोग अगर आपने कैम ऑन कर रहे हैं, आप सब लोग जी तला, ये जरा अनम्यूट करें जरा अपने आपको। आप जी सर, ये बताएं जरा बाय बॉक्स क्या होता है? सर जी बाय बॉक्स ये होता है कि जब एक प्रोडक्ट हो ना, एक से ज्यादा बंदे सेल कर रहे होते हैं, तो कस्टमर को कौन सा किस पर्सन की चीज यानी कि पहले दिखानी है या जिसकी जिसकी वजह से उसकी सेल ज्यादा हो जाएगी, वो अमेज़न खुद डिसाइड करता है हर दफ़ा, यानी कि कुछ अर्से बाद एक बंदे को चेंज करके ऊपर उसकी प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है। बंद कर ले मैं जी, और कोई गलत बताया है? हाँ जी, ये उसामा सलीम, आप जरा अपना माइक अनम्यूट करें। ये उसामा, आपको आवाज आ रही है? ये जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो ये एडवांस टॉपिक था, ठीक है, और पता नहीं जो है वो ये स्टार्ट में जो है वो आपको बता दिया था कि बाय बॉक्स में क्या होता है, ठीक है, और अभी तक जो है वो स्टिल किसी को ये पता नहीं है कि बाय बॉक्स क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग ये, ठीक है, ये जो है वो विनिंग द बाय बॉक्स ऑन अमेज़न, ये बाय बॉक्स होता है जिस ये अगर आप इस तरीके से एक मुर्दे की शक्ल में बैठे हुए क्लास में तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है, बैठे हुए क्लास में तो एक्टिव होके बैठे, ठीक
ठीक है, वरना अदरवाइज जस्ट फॉर ये फॉर्मेलिटी अगर करनी है तो फिर मुझे बता दें, मैं भी फिर उसी तरीके से जो है आपको वही काम करवाऊंगा, वही डिग्री वाले हिसाब किताब रखूंगा आपके साथ। सही है, चले जो है वो आपने जो है वो जो करना था मुझे बता दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी सुन लेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली जो होता है कि बाय बॉक्स का मीन्स के जो है वो बेसिक पर्पस ये होता है कि लाइक अब जो है वो एक लिस्टिंग है उसके ऊपर आप यूँ समझ लें कि एक एक शॉप है उसके अंदर जो है वो, और शॉप के अंदर जो है वो दो तीन काउंटर्स लगे हुए हैं और सब लोग जो है वो एक ही जैसी प्रोडक्ट बेची जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये इस चीज को डिसाइड करना कि सेल किसके पास जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अमेजोन की लैंग्वेज में कि ये जो है वो बाय बॉक्स है, मींस जिसके पास सेल जा रही है उसके पास क्या होगा, बाय बॉक्स है। इसकी जो है वो दूसरे लफ्जों में हमने जो है वो बेसिकली ये एग्जांपल ली थी कि आप जिस तरीके से बैठे हैं कि लाइक स्टेज के ऊपर जो है वो तीन से चार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसमें से क्या होगा, जिस बंदे के पास जो है वो माइक होगा उसके पास उसकी बेसिकली आवाज आएगी ना। ठीक है, तो सेम इस तरीके से है कि यहाँ अमेज़न के ऊपर जो है वो जिस बंदे के पास क्या होगा, ये बाय बॉक्स होगा। ठीक है, उसके पास क्या होगी, जो भी मतलब कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करेगा उसको वो सेल क्या हो जाएगी, उसके पास चली जाएगी। अच्छा, अब हमने देखा था कि ये वाला जो सारा मॉडल होता है वो बेसिकली आपके होलसेल के अंदर जो है वो सारा चल रहा होता है, मींस होलसेल में जो है वो एक लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो बैठे होते हैं। तो इसमें जो है वो जबकि हमने देखा जो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होती है उसके ऊपर जो है वो एक अकेला आपका सेलर होता है। ठीक है, वही जो है वो लिस्टिंग का सिंगल ऑनर होता है और वही लिस्टिंग को बनाता है और वो वही अकेला उसके ऊपर सेल कर रहा होता है। तो उस केस में जो है वो बाय बॉक्स का लूज करने का क्या तुक बनता है, जबकि जो है वो बंदा ही एक बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या हो सकता है। सही है, तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो ये है कि फिर अगर आप लिस्टिंग के ऊपर अपना बाय बॉक्स लूज कर चाहते हैं तो फिर जो है वो बायर्स को सामने क्या नजर आ रहा होगा, ये चीज नजर आ रही होगी, लाइक जिस तरीके से अभी हम ओपन करते हैं यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, अब जिस तरीके से ये आप देखें यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है करंटली अनअवेलेबल। ठीक है, वी डोंट नो व्हेन और इफ दिस सेल आइटम विल बैक इन स्टॉक। ठीक है, कि मतलब हमें नहीं पता कि ये स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो ये जो बंदा है वो बेसिकली बाय बॉक्स जो है वो सब लूज कर चुका हुआ है। इसके बाय बॉक्स के अंदर जो कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो बेसिकली डिफाइन की गई है उसमें ये डिफाइन किया गया हुआ है कि जब भी कोई सेलर आएगा और वो ये एक स्पेसिफिक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो डिलीवरी एड्रेस है वो पाकिस्तान होगा, तो हम पाकिस्तान डिलीवर नहीं करते। तो इस वजह से क्या होगा कि उसने बाय बॉक्स को लूज कर दिया, मतलब उसने कहा कि नो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस सेल्स। सही सही है, तो मीन्स ये मैं सेल्स जो है वो कबूल नहीं कर सकता बिकॉज मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं जो है वो इस स्क्रीन शेयर्ड है ना। हाँ जी, तो मीन्स कि मैं इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको ये आइटम्स नहीं भेज सकता। ठीक है, तो जो है वो आप वैसे वो कर लेते हैं, आप जो है वो माइक को अनम्यूट कर लेते हैं। तो इसमें
बेसिकली फिर क्या होगा कि अभी देखिए इस वक्त जो है वो आप जो है वो उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास ऑर्डर करने का ना, मीन्स के ये जो लिस्टिंग जो है वो बाय बॉक्स में नहीं है, कोई भी सेलर इस वक्त इसके बाय बॉक्स में नहीं है तो ऑर्डर नहीं हो सकता। तो सेम यहाँ पर यही जो है वो इश्यू चल रहा है यहाँ पर कि ये जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है वो मतलब कितने परसेंट जो है वो आपके पास बाय बॉक्स रहता है इस तरीके से और कितने परसेंट क्या होता है वो लूज कर जाता है। अब ये तो जो है वो मैंने आपको एक वजह बताई है कि जी लोकेशन अगर आपकी जो है वो इस तरीके की आपने डाल दी जहाँ पर जो बायर है वो बेसिकली एड्रेस शिपिंग नहीं कर सकता तो वहां पर जो है वो बाय बॉक्स लूज कर जाएगा। और सेम इस तरीके से यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स और भी बहुत सारे चल रहे होते हैं पीएल लिस्टिंग के अंदर भी, जहाँ पर जो है वो उसमें से एक ये होता है कि प्राइस का, अगर आपने जो है वो प्राइस आप इंक्रीज करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद तो फिर क्या होता है कि वो जो लिस्टिंग होती है वो बेसिकली बाय बॉक्स को जो है वो लूज करना शुरू कर देती है। मीन्स जब भी जो है वो आप यू समझ लें कि जो है वो कुछ जो सेलर्स आते हैं तो उनको बेसिकली क्या होता है अमेजोन का जो है वो ये वाला पेज शो होता है यहाँ पर इस तरीके से कि मीन्स के करंटली अनअवेलेबल, ठीक है। अच्छा देन फिर आता है यूनिट सेशन परसेंटेज, ये अब जो है वो देखिएगा क्या होता है यूनिट सेशन परसेंटेज, बेसिकली ये होता है कि कितने लोगों ने लिस्टिंग के ऊपर जो है वो लैंड किया, ठीक है, और उसमें से जो है वो कितनों ने परचेज किया और कितने ने परचेज नहीं किया, इन सब के दरमियान जो आपकी परसेंटेज बनेगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिट सेशन परसेंटेज है ये वाली, ठीक है, मतलब जितने हमारे सेशन बनते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये यूनिट सेशन परसेंट, ये सेशन परसेंटेज आ रहा है, ये पेज व्यू परसेंटेज नहीं आ रहा इसके साथ, ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा था कि सेशन जो है वो बेसिकली आपका स्टैटिक है, ठीक है, ये और ये इतनी आसानी से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, जबकि जो है वो अगर यहाँ पर ये इसकी इसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट होती तो हम इसके पेजेस जिस तरीके से जो है वो हम दोबारा दोबारा ब्राउज कर रहे थे, ठीक है, तो पेज व्यूज उसी तरीके से इंक्रीज हो रहे होते, बट ये सेशन जो है वो बेसिकली नहीं होते। तो मींस के क्या हुआ कि सेशन का मतलब ये है कि एक बायर आया, सही है, और बायर्स के आने में और उनके खरीदने में, ठीक है, कि मतलब कितने ने खरीदा और कितने नहीं खरीदा, इनके दरमियान जो हमारी परसेंटेज बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट सेशन परसेंटेज। अच्छा अब जो है वो अगर तो आपके यूनिट सेशन परसेंटेज बिटवीन 15% टू 20% था तो मीन्स इसका मतलब ये है कि बहुत जबरदस्त है ये, ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है आपकी लिस्टिंग। अगर वैसे जो है वो ऑनलाइन जो है वो आउटसाइड द अमेजोन और ऑनलाइन में जो है वो 7-8% यूनिट सेशन परसेंटेज होता है वो एक अच्छा सेशन परसेंटेज कंसीडर किया जाता है, कि मीन्स 100 लोग आए उसमें से जो है वो 7 या 8 लोगों ने आपसे परचेज कर लिया, ठीक है, तो मीन्स के वेल डिफाइंड आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हर चीज जो ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। और अगर तो जो है वो जो आपका यूनिट सेशन परसेंटेज है वो लाइक है 1%, 2%, 3%, इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कि मतलब फिर जो है वो आपको ना किसी चीज की कोई चीज आपकी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है, और इस लिस्टिंग के अंदर जो है वो कोई चीज ऐसी ना ऐसी जरूर है जो कि ट्रिगर कर रही है बायर्स को जो आप कन्वे नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर अच्छा अब जो है वो अब आपको यहाँ पर चल गया कि जब कोई बंदा लिस्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली लैंड करेगा तब जाके सेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा अब जो है वो आपके पास आपकी प्रोडक्ट है और उसके सेशन ही नहीं बन रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर प्रॉब्लम है। मीन्स के यहाँ पर अब इस तरीके से ये देखें ये है, अब अगर मुझे ये जो है वो बाहर से पसंद नहीं आ रही, अच्छा ये जो है वो पता नहीं प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, ये देखिए इसके ऊपर जो है वो इसकी रिंकल्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, और छोटी छोटी सी लग रही है, पता नहीं कैसी होगी ये, तो मैंने इसको जो है वो यहीं से जो है वो इसको इग्नोर कर दिया। अब मीन्स इंप्रेशन तो आया लेकिन सेशन नहीं बना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि या तो इमेज में, ठीक है, या तो इस टाइटल में, ठीक है, या तो इस प्राइस में, या तो इस रिव्यू रेटिंग में, ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो बाहर से जो है वो
आपके बायर्स को वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको आपने, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लाइटनिंग आपने इसके ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े डिसीजन होते हैं बिजनेस के, ठीक है, इन्हीं चीजों के ऊपर जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये बेसिकली चार चीजें आपकी ऐसी है, ठीक है, इमेज, नॉन इमेज, टाइटल, रिव्यूज की रेटिंग, ठीक है, और जो आपकी प्राइस है, ठीक है। अब इन चार चीजों के ऊपर जो है वो आपका जो सेशन है ना वो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर सेशन ही आपके नहीं बन रहे, मतलब लोग आपकी लिस्टिंग के अंदर इस तरीके से जो है वो क्लिक करके अंदर ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि बाहर कोई प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, जब आपके जो है वो सेशन नहीं बन रहे होंगे। मीन्स क्या हुआ कि इंप्रेशन तो आ रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक आ रही है, सही है, लेकिन सेशन नहीं बन रहे, मीन्स लोगों, लोग बायर से तो देख रहे हैं इस चीज को लेकिन अंदर नहीं आ रहे, तो देन इट्स मीन्स के सेशन जो है वो नहीं बन रहे, तो बाहर का कोई प्रॉब्लम है, और बाहर का जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम्स में, उस प्रॉब्लम की लिस्ट के अंदर जब ये चार प्रॉब्लम्स ये आते हैं, मेन इमेज, टाइटल, रिव्यू रेटिंग, और जो है वो ये प्राइस। अच्छा, आप समझते हैं कि मेन इमेज भी बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप इसकी ए बी जो है वो टेस्टिंग कर लें, स्प्लिट करें दो इमेजेस को, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर ए बी टेस्टिंग चला दें, तो मीन्स बायर्स का जो है वो आप फीडबैक लेना शुरू कर दें इन दोनों इमेजेस के ऊपर, कि मीन्स इन दोनों में से कौन सी इमेज बेहतर है, तो वो आपको बता देंगे कि अच्छा ये हमें इमेज बेटर लगी, ये नहीं लगी। तो अगर तो जो आपकी एग्जिस्टिंग इमेज है उसी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आपके जो है वो वोट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेन इमेज आपकी ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो है वो फिर इसमें ये होता है कि फिर हम टाइटल के ऊपर जो है वो फिर वही सेम होता है आपके, इसके ऊपर भी एक स्प्लिट टेस्ट करवा लें आप, ठीक है, और ये देख लें कि जो है वो आप उनसे बायर्स से डिफरेंट से पूछ लें कि अच्छा आपको जो है वो कौन सा टाइटल अच्छा लगा है, ये वाला टाइटल अच्छा लगा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ हो अच्छा लगा है, या फिर जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ हो ये अच्छा लगा है, ठीक है, आपको शॉर्ट वाला टाइटल जिस तरीके से इसने यूज कर रखा है ये वाला पसंद है, ठीक है, या फिर जो है वो ये लॉन्ग वाला टाइटल जो है वो ये पसंद है, ठीक है। तो मीन्स अगर आप जो है वो ए बी टेस्टिंग में नहीं जाते तो फिर हम मैन्युअली क्या करते हैं, हर एक चीज को जो है वो चेंज करके देखते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं एक दो दिन के बाद बेसिकली क्या निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो अब हमें यहाँ से बाकी सारी चीजें तो वो तो आप यहीं से चला लेते हैं कि अच्छा आपके साथ वाले जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी रिव्यू रेटिंग अच्छी है, बट अब जिस तरीके से यहाँ पर ये देखें, अब इसकी है 4 out of 5 और इसकी क्या है आपके पास यहाँ पर 4.5 है, ठीक है। तो अब अगर जो है वो यहाँ पर सेशन इसके साथ नहीं बन रहे तो इसका एक पर्पज ये भी हो सकता है कि जो है वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि इसकी जो रिव्यूज रेटिंग है ना वो बड़ी खराब है, ठीक है, लोग जो है वो इसकी रिव्यू रेटिंग से जो है वो बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस वजह से लोग प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट के जो है वो अंदर ही नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो जो है वो ये नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका भी जो है वो रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 या 6 होता, ये हाफ स्टार जो है इसका फिल होता, फिर हम जो है वो देखते इसकी प्राइस को, ठीक है, अब प्राइस भी इसकी बड़ी कंपेटिटिव है, ठीक है, अच्छा नहीं। अब देखिए ये बेच रहा है एक 9 pounds के अंदर, 8.99 मीन्स 9 pounds में, ठीक है, और ये बेच रहा है पैक ऑफ 3 कितने में, 12 pounds में, ठीक है, और ये बेच रहा है पैक ऑफ 2 14 pounds में, ये पैक ऑफ 2 15 pounds में प्लस 10% ऑफ के साथ, ठीक है, और ये 2 pounds का कूपन दे रहा है, मीन्स के जो है वो 14 में से 12 मतलब ये 12 pounds का जो है ये आपको पैक ऑफ 2 दे रहा है। अभी देखिए ये 9 में जो है वो 1 दे रहा है आपको, ये 12 में 2 दे रहा है, तो क्या मतलब क्या बना कि अगर बाकी वाले सारे फैक्टर सही है, मेन इमेज भी ठीक है, टाइटल भी सही है और रिव्यूज का जो स्कोर है वो भी सही है, तो फिर ये सीधे सीधे ये ट्रिगर होगा कि जो इसकी प्राइस है वो बेसिकली आपको डाउन करनी पड़ेगी, तो मीन्स की जो है वो फिर हम क्या करेंगे इसकी प्राइस डाउन करके देखते हैं अच्छा अब जो है वो बायर लैंड करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका ये होता है आपकी बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसका यूनिट ये जो सेशन तक यहाँ तक आपको कवर हो गया कि अगर सेशन नहीं बन रहे, ठीक है, इंप्रेशन आ रहे हैं और सेशन नहीं बन रहे, ठीक है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम होगा, मींस आउटसाइड द लिस्टिंग प्रॉब्लम होगा कि मतलब अंदर नहीं जा रहे, तो अंदर ना जाने की वजह से उनके जो है वो ये चार जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि ये हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मीन्स मुझे अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगी है।
ठीक है अच्छा मैंने देखा ये एक अच्छी प्रोडक्ट है ठीक है, ये मीन्स जो मुझे बता रही है कि अच्छा ये इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है और ये हैवी पैक में ठीक है 10% होगा 1.5 पाउंड इसके ऊपर तो ये 13.5 पाउंड की बन जाएगी ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो बाकी भी सब अच्छा लग रहा है मुझे। बट अगर अब मैं इसके अंदर आ गया तो मेरा इसके साथ क्या हुआ, एक सेशन बन गया, मीन सेशन अब बन गया। बट अब जो है वो इसके अंदर मैंने जब आपके यहाँ पर देखा इसकी बाकी वाली इमेजेस, तो वो बाकी वाली इमेजेस जो है वो पसंद नहीं आई ठीक है। अच्छा मीन्स कोई भी ऐसी इमेज हो सकती थी जो कि मुझे अच्छी लगी, या फिर जो इसका रेस्ट ऑफ द डाटा जो है वो ये वाला जो डाटा है ठीक है 5 इसके बुलेट पॉइंट्स जो है वो ये मुझे समझ नहीं आए कि मतलब ये संदर्भ मतलब क्या कह रहा है। अगर मेरी एक मैं एक एवरेज पर्सन हूँ और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ठीक है, तो मतलब इसने जो है वो किस किस तरीके से जो है वो हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है ठीक है, तो मतलब मुझे समझ नहीं लगी, तो वो यहाँ से टाइटल समझ नहीं लगे तो मैंने इसको नहीं परचेज किया ठीक है और मैं चला गया वापिस ठीक। अच्छा देन अच्छा मुझे फिर जो है वो बट अब मुझे जो है वो ये चीज समझ लग गई है तो ये इसके जो बुलेट पॉइंट्स थे वो बेसिकली मुझे समझ लग गए हैं, बट जब नीचे डिस्क्रिप्शन में आए तो ये अच्छी नहीं लगी सही है, या फिर मुझे ये पसंद नहीं आई कोई भी इसकी चीज ठीक है, तो या फिर जो यहाँ पर जो इसका टॉप का रिव्यू था ये वाला, अब ये 5 स्टार है इसके ऊपर, ये ऊपर जो है वो नजर आ रहे हैं, बट आप कभी आप देखिएगा कि लोगों ने क्या क्या होता है उनके ऊपर कंपेटिटर्स की सेल्स डाउन करने के लिए उनके जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं उनको हेल्पफुल करवा करवा के उनको टॉप पे ले आते हैं, मीन्स बाहर लैंड करते पहला रिव्यू पड़ता है 1 स्टार ठीक है, दूसरा वो 1 स्टार, तो मीन्स वो उसे डर जाता है कि अच्छा ये क्वालिटी बुरी है तो वो फिर वहीं से जो है वो आउट हो जाता है। तो अब जो है वो इसको हमने बेसिकली लिंक इसके साथ बिजनेस रिपोर्ट के साथ कैसे करना है, अब हमने जो है वो बिजनेस रिपोर्ट का बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि सेशन नहीं बन रहा तो उसके कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्राइस मेन इमेज टाइटल और रिव्यू स्कोर ठीक है। अच्छा अच्छा अब जो है वो इसमें यूनिट सेशन परसेंटेज अच्छा हम देख रहे हैं कि बाय बॉक्स भी ठीक है 100% हमारे पास है, जब भी कोई जो बायर जो है वो लैंड करता है लिस्टिंग के ऊपर तो उसको जो है वो हम सामने यहाँ पर इन स्टॉक नजर आते हैं, आउट ऑफ स्टॉक नजर नहीं आते यहाँ पर, मीन्स के इस तरीके का यहाँ पर जो है वो पेज ओपन होता है इस तरीके का ठीक है, कि मीन्स के हमें वो ऑर्डर प्लेस करने दे रहा है तो जो जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको ये वाला पेज भी नजर आ रहा है, उनके पास जो है वो ऑर्डर करने की ये फैसिलिटी जो है वो ये ऑप्शन ये भी नजर आ रही है, तो मीन्स के जो है वो हमें बाय बॉक्स भी हर वक्त हमारे पास ही है मतलब 100% है हमारे पास, बट अगेन जो है वो सेल नहीं आ रही, मीन्स के जो जितने लोग आ रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोग जो है वो लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं और उनमें से जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे सही से ठीक है, उसमें से एटलीस्ट जो है 15 से 20 लोग जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे सेल्स में, तो इसका मतलब ये है कि बाहर का जो कंटेंट है वो तो बेसिकली ठीक है, उसने तो बायर को अट्रैक्ट किया है ठीक है और उसने जो है वो अट्रैक्ट हुआ, इस वजह से बायर्स का आपके साथ सेशन भी बन गया, मींस वो आपके पेज के अंदर आ गया है, बट वो अंदर आके फिर चला गया है ठीक है और उसने परचेज नहीं
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर के जो चीज है कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब अंदर की जो चीज है उसमें फिर क्या हो सकता है, फिर उसमें यही हो सकता है कि आप चेक करेंगे रेस्ट ऑफ द इमेजेस, ठीक है, कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो बेसिकली वो अपने सही तरीके से नहीं की हुई, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी इमेजेस जो है वो इतने बेटर नहीं है कि जो एक बायर को जो है वो कन्विंस कर सके, एक सेल्स में उसको कन्वर्ट कर सके, या फिर कुछ लोग जो है वो इस तरीके से ये इंफोग्राफिक्स इमेज जो है वो बेसिकली भूल जाते हैं, जिसके अंदर वो डायमेंशंस वगैरह बताएं उनको कि इतनी लेंथ विड्थ एंड हाइट है इसकी, ठीक है। कुछ लोगों के ये कुछ जो फीचर्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो भूल जाते हैं, सही है। फिर तो एक कंपेरिजन होता है, एक मेन इसमें पॉइंट होता है कि मीन्स आप अपनी प्रोडक्ट का जो है कंपेरिजन करवा दे किसी और के साथ। अब जिस तरीके से यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब जिस तरीके से जो है वो ये होता है, मीन्स अगर आप अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर देंगे दूसरों के साथ, जिस तरीके से लाइक जो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ये कोई हेम्प क्रीम सेल कर रहा है, ठीक है, और उसने यहाँ पर लिखा होगा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फार्मूला, ठीक है, कितने 4000 mg है, और वो क्या कर रहा है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी, आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके का कंपैरिजन करते हुए आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट नहीं कर सकते, आप एक जेनेरिक जो है वो चीज उसको टारगेट कर सकते होते हैं, जिससे इसे लिख दिया कि कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी ब्रांड भी हो सकता है, तो मुझे उसकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये दो चीजें जो है वो नहीं है। अब ये दूसरे क्या कहता है कि इजी टू अब्सॉर्ब क्विक फार्मूला है ये, ठीक है, अब ये हमारी क्रीम में है, ब्रांड ए में नहीं है, ब्रांड बी में है, ठीक है, तो मीन्स इसके ऊपर जो है वो ब्रांड बी अभी भी लैक कर रहा है इस फंक्शनैलिटी के ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब अगेन जो है वो अच्छा, अब ये अपनी तरफ से जो है वो आप साइंस लगानी होती है जो भी होता है। अब ये कहता है कि रिलैक्स योर नर्वस सेंस, तो वो कहता है कि यस हमारी क्रीम में है और ब्रांड ए में भी है, बट ये चीज ब्रांड बी में नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो ये एडिशन ऑफ विटामिन ए एंड ई, ठीक है, ये हमारी क्रीम में है बट ये इन दोनों में नहीं है, तो ये बट सेम इस तरीके से। तो मीन्स क्या करना होता है, आपने जो है वो आपने समझ लिया कि बायर्स को बेसिकली आपने डिफरेंट घुमा फिर आकर जो है वो ये बताना होता है कि ये जो आप चीज ले रहे हैं यहाँ से, अब आप बाय करने जाएंगे, ठीक है, ये जो बेस्ट तरीन चीज है दुनिया की ना, इससे अच्छी कोई और चीज बनी नहीं है, सही है। तो एक बेसिकली ये इस तरीके का कंपेरिजन होता है, मीन्स कि अगर आप लैक कर रहे हैं इमेजेस के अंदर, ठीक है, आपकी जो इमेजेस हैं वो बेसिकली इतनी
और वेल स्ट्रॉन्ग इमेजेस नहीं है कि जो एक बायर को जो है वो कन्विंस कर सके, तो फिर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इमेजेस ठीक है, अब जिस तरीके से ये एक इमेजेस है ठीक है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली बता रहा है कि ये वेल रिच्ड है, ये ठीक है, इसके अंदर जो है वो जो भी विटामिन वगैरह है काफी स्ट्रॉन्ग है ठीक है, तो ये इसमें जो है वो ये पास कर जाएगा कि यस इसके अंदर जो इमेज जो इमेजेस हैं वो वाले फैक्टर तो ठीक है। अच्छा दूसरा फिर आपने ये करना होता है कि ये जो आपकी इमेजेस होंगे बेसिकली जो है वो इस तरीके से क्या हो, होवर भी हो माउस अगर हम उसके ऊपर लेके जाएं तो वो इस तरीके से उनका जो है वो ऐसा व्यू भी आई साइड पर जिस तरीके से इसका भी ये आ रहा है। अब अगर आप क्या करेंगे इमेजेस जो है वो लो क्वालिटी की अपलोड कर देंगे तो वो फिर जो है इस तरीके से जो है वो अगर हम माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो इस तरीके से होवर होके आपको बड़ी नजर नहीं आएगी साइड के ऊपर, उसका जो है वो प्रीव्यू नजर नहीं आएगा। सही है, एक तो इसका एक फैक्टर तो आप ये करते हैं कि मतलब कि जब बायर्स लिस्टिंग के अंदर जो केस होता है उसको ट्रिगर करते हैं इस पॉइंट को ठीक है। अच्छा अब आपने जो है वो इसके भी इसका भी सेम नहीं होता है कि आप इसके ऊपर भी इस टेस्टिंग चला दें ठीक है, पूल जो भी होता है वो आप जनरेट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें जो है वो कहीं पर कोई जो है वो इमेजेस में तो नहीं मसला इसका। क्लियर है, देन वो फिर आता है आपका ये ब्लड पॉइंट, इसमें एकदम सही इसमें सारे मुझे है वो ये काम कर रहे हैं, और फिर एंड ऑफ द डे नेक्स्ट डे क्या होता है कि सात की जो रैंकिंग होती है ना वो क्या होती है डी रैंक होती है। ये कोर्स स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो टाइटल और जो ब्लड पॉइंट्स के फर्स्ट 1000 करेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके इंडेक्सेबल होते हैं ठीक है, और अगर बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन होती है वो इंडेक्सेबल नहीं होती, ये जो ईबीसी या व्हाट्सएवर जो भी नीचे क्या होगा इसके जो है सिंपल, अगर आप इन सबको चेंज करेंगे तो उसने क्या करना है जो नया कंटेंट है वो बेसिकली उसके हिसाब से फिर आपको इंडेक्स करेगा ठीक है, और वो इंडेक्स करके करेगा आपको वो जो लास्ट पोजीशन है उनके ऊपर छोड़ देगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि एडक्शन कर क्या सर आप ये बात ब्रेक और इस तरीके से जो है वो अब ये वाला इसका एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अब देख क्या अब आ रही है आवाज सही, ये सर आ रही है आवाज सही अच्छा अब इसमें क्या होगा हमारे पास के देखिए अब जिस तरीके से ये है इसको हम जो है वो थोड़ा सा मींस रख के चले भाई इसको जो है वो हम लाइक जो है वो देखते हैं सही है। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसको जो है वो थोड़ा सा अपडेट करते हैं इन चार वर्ड्स पांच वर्ड्स को ठीक है। अच्छा इस मैं इतना चेक कर लूँ कितने यूजर बैठे हैं वाईफाई के ऊपर ना
ये देखने करके हम जो है वो चले इसका जो है वो हमने टर्टल तक उसको एक सा पोर्शन चेंज किया, ठीक है, उससे इम्प्रूवमेंट आ गई, देन फिर हम उससे अगले पोर्शन पे जाते हैं, सो ऑन इस तरीके से चलते जाते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमने देखा कि जो है वो टाइटल को चेंज करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी चीज थी वो वैसी की वैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइटल वाला जो आपका है मसला वो नहीं है, मसला कोई और है। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं थी। ठीक है, अभी देखें तो मीन्स के जो टाइटल वाला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई और प्रॉब्लम है, कोई और चीज है वो इस लिस्टिंग के अंदर ऐसी है जो कि बायर्स को जो है वो कन्विंस ही नहीं कर पा रही, या बायर जिससे जो क्या हो रहे हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी जो टेंशन है वो क्या होती है डाइवर्ट हो जाती है किसी और के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर हम जो है वो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे, फिर हम इसके बुलेट पॉइंट्स की तरफ चल पड़ेंगे। सही है, पहले बुलेट पॉइंट जो है वो फिर चेंज करेंगे हम, और फिर उसका वेट करेंगे। सही है, कि वो देखेंगे क्या इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो है वो फिर हम दूसरा बुलेट पॉइंट चेंज करेंगे, उसका वेट करेंगे कि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एंड इसी तरीके से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अप टू सो ऑन हम इस तरीके से जो है वो चलते जाएंगे। सही है, तो आहिस्ता करके फिर हम हर एक चीज को जो है वो चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है वो इसी अब लिस्टिंग का कंटेंट होता है बेसिकली यही ही होता है, इससे बाहर नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो आपको पास कोई ना कोई आपको ऐसी चीज जरूर नजर आ जाएगी जहां पर जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जो कि सेल्स में कन्वर्ट नहीं होने दे रही थी। तो वो ऐसा जो है आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बिजनेस रिपोर्ट्स को जो है वो पढ़ने का बेसिकली ये तरीकाकार होता है। सही है, ये समझ लीजिए आपको, एंड फिर भी जो है वो उससे कोई फर्क ना पड़े तो फिर आप आ जाते हैं इधर डिस्क्रिप्शन की तरफ। ठीक है, फिर आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो फिर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब अब लेट्स सपोज जिस तरीके से ये है, ये डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से तो एक ABC जो है वो अच्छी नहीं बनी, इतना बड़ा जो पैराग्राफ है वो बेसिकली कोई नहीं पढ़ता होता। ये होनी चाहिए थी बुलेट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, और ये इसका कोई टाइटल होना चाहिए था। ठीक है, ये एक पैराग्राफ्स के अंदर होती है या सो ऑन, इस तरीके से जो है इसके डिफरेंट जो है वो पोर्शंस बने होते हैं। अभी देखें जो है वो एक ऊपर ब्रांड का नेम है, ठीक है, इमेज है, नीचे इतना सारा कॉन्टेंट डाल दिया, और एक इतनी बड़ी इमेजेस दो डाल दी है। ठीक है, तो ये जो ये वाली है इस तरीके की, ये किसने अच्छी जो है ABC नहीं बनवाई हुई। ठीक है, तो ये भी जो है वो इसका एक जो है वो इशू हो सकता है। एंड देन जो है वो आता है आपके पास इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, कि इस तरीके से ये है इसके रिव्यूज हैं। अगर तो अब जैसे ये 4-star रिव्यूज अभी नीचे है, ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं रिव्यूज को क्या करते हैं, वो जैसे प्रोडक्ट को आते हैं, तो फिर आप ये रिव्यूज वाला फिर आप जो है वो पोर्शन इसका चेक करते हैं। अच्छा, रिव्यूज में कोई ऐसा जो नेगेटिव रिव्यूज है जो कि मीन्स की बहुत ही लाइक बायर्स को जो है वो डाइवर्ट करने वाला हो, वो तो कहीं ऊपर नहीं आया हुआ। ठीक है, अगर वो है तो फिर आप वो देखते हैं, आप उसको जो है वो उसके बदले में फिर जो आपके जो अच्छे रिव्यूज होते हैं उनको आप हेल्पफुल करवा के वोट, तो उनको जो है वो ऊपर करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ जो है वो तरीकेकार होते हैं जो कि आपकी एक अच्छा नहीं, इसने जो है वो नीचे और भी डिजाइन कर रखी है। ठीक है, दो इमेजेस और भी थी, तो ये एक जो है वो एक लिस्टिंग के आप यूं समझ लें कि एक इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आप किसी भी चीज का फैसला करते हैं, और इस वो जो सारी चीजें होती हैं कि मीन्स के जो बायर आ रहा है और कहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ से जो है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं हो रहा, तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमें क्या बताती है, वो बेसिकली ये रिपोर्ट बताती होती है। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट बेसिकली हमें ये बताती है कि पेज व्यूज को क्या बन हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, और सेशन क्या बन रहे हैं, बाय बॉक्स का परसेंटेज कितना, यूनिट सेशन परसेंटेज कितना है। ठीक है, एंड सो ऑन इस तरीके से ना, तो ये है बेसिकली आपको जो है वो अमेजोन की जो रिपोर्ट्स है वो उसको जो है वो पढ़ने का तरीका का। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये आते हैं आपके पास बिजनेस रिपोर्ट्स आती हैं, बाकी जो है वो ये इन्वेंट्री रिपोर्ट है, तो वो मेरे ख्याल से इतना बहुत आज के लिए, वरना फिर सारा विक्सण मिलाप हो जाना सारा, वो आपको समझ लगनी। और एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट PPC की जो है वो, और
बाकी जो है वो फाइनेंशियल कुछ रिपोर्ट्स होती है वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इनको जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जरा, कोई चीज समझ नहीं लगी तो। सर एक बार काइंडली बाय बॉक्स परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। बाय बॉक्स परसेंटेज बेसिकली ये होती है कि कितने परसेंट जो है वो बाय बॉक्स आपके पास रहा है, मींस कि अगर तो जो है वो बाय बॉक्स परसेंटेज हमने पढ़ी है, यूनिट सेशन परसेंटेज पढ़ी है। अच्छा हाँ जी, बाय बॉक्स परसेंटेज ये है कि मींस कितने परसेंट, मींस के फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लें कि मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अब इस तरीके से ये है, अब जो है वो 100 बायर्स आए, 100 में से जो है वो जो है वो 80 लोगों को जो है वो आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक नजर आई, बाकी को इस तरीके के मैसेज नजर आया 20 को, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका बाय बॉक्स का परसेंटेज होगा वो बेसिकली 80% होगा ना, ठीक है। और इसी चीज के ऊपर जो है वो आप सेशन परसेंटेज होता है, यूनिट सेशन परसेंटेज होता है कि मतलब कितने लोग जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हुए, 100 लोग आए ठीक है और 4 ने परचेज की, 96 वैसे चले गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिट सेशन परसेंटेज जो है वो 4% है, 4 पीपल जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू सेल्स आउट ऑफ 100, तो ये होता है जी। इट्स मीन कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट जी। और कोई एक चीज बताइएगा सर, बाय बॉक्स में फॉर एग्जांपल 3 लिस्ट में 3 बंदे हैं, एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक की कीमत है $9, एक की कीमत है $10, एक की कीमत है $13, और सर उसके कितने परसेंट चांसेस हैं जो जिसकी कीमत $13 है उसके विन करने के, इक्वल चांसेस हैं उतने ही जितने जो कीमत जो है $9 है एक बंदे की, या उसमें कोई डिफरेंस है? देखें जो बेसिकली बाय बॉक्स है वो एक अलग कहानी है यहाँ पर, और बाय बॉक्स परसेंटेज जो है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। यहाँ पर आप ये दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं उसका तो मुझे समझ आ गया, बाय बॉक्स परसेंटेज का तो वो तो कन्वर्जन रेट है, वो हमें बिजनेस रिपोर्ट में हेल्प करता है कि कितने परसेंट कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही। मैं सर इसे हट के बाय बॉक्स का पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, बाय बॉक्स की मीन्स के रोटेशन के कितने परसेंट चांसेस है कि जो है वो किस बेस के ऊपर रोटेट करेगा, यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी 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 सर, ऑन द बेस जो बाय बॉक्स की जो बेसिकली रोटेशन है, ये हमने पहले भी ये बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि इसमें मीन्स के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आपके इटसेल्फ अकाउंट की हेल्थ हो सकती है, ठीक है, मीन्स कि आपका अकाउंट कितना स्ट्रांग है हेल्थ वाइज के, मीन्स कि जो है वो उसके अंदर आपका फीडबैक रेट क्या है, मीन्स जब कोई
कोई भी बायर आके लिस्ट उसी जिस लिस्ट के ऊपर आप सेल कर रहे हैं और चार बंदे और भी सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप बायर्स को जो है वो क्या उनकी हेल्प भी करते हैं ठीक है या फिर जस्ट सिर्फ आप बेचने पे लगे हुए अपना सामान और बायर्स का आपको ख्याल नहीं ठीक है। एक तो ये होगा, दूसरा आपकी मेन प्राइस होती है ठीक है। फिर आपने हमने देखा था कि इसमें फुलफिलमेंट का भी जो है वो सीन होता है कि लाइक अगर जो ऑर्डर है अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो चार लोग हैं चारों दस दस लोगों की चीज बेच रहे हैं और जो ऑर्डर आया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ डिलीवर के लिए हाउस में पड़ा हुआ है और डिलीवर के करीब से जो है वो ऑर्डर आ गया है सही है और जबकि जो बाकी जो लोग हैं तो उनका जो है वो स्टॉक डिलीवर के वेयर हाउस में नहीं है तो फिर तो इसमें मोस्ट लाइकली क्या होगा कि जो बायर बॉक्स होगा वो बेसिकली आपके पास आने के चांसेस ज्यादा होंगे बिकॉज उसमें क्या होगा कि अमेजोन लोकेशन वाइज भी ट्रेस कर रहा होता है ताकि डिलीवरी सिस्टम को इन्हांस करके जो है वो ऑन टाइम डिलीवरीज की जाए और इसलिए जो है वो नियरेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उस फुलफिलमेंट जिस सेलर का सामान पड़ा हुआ है उसको जो ऑर्डर क्या किया जाए वो डिलीवर किया जाए ठीक है। देन उसके बाद जो है वो जो आपका अकाउंट का फीडबैक होता है उसके ऊपर भी आपको ये डिपेंड कर रहा होता है कि मींस जो लोग आपसे परचेज करते हैं उनके बारे में आपके बारे में उनका फीडबैक क्या है वो किस तरीके से जो है वो आपको रेट करते हैं सही है। एंड ये जो है वो कुछ हमने फैक्टर्स देखे थे कि ये होता है सही है। बाकी जो है वो इंटरनली ये कि अभी तक जो है जो केस स्टडीज आई हुई है उसके अकॉर्डिंग तो यही डाटा होता है ठीक है जिसको हम जो है वो ये चेक कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर क्या होगा कि इसके अलावा बाकी एग्जैक्टली जो है वो किस किस पॉइंट के ऊपर कैसे मूव होता है ये इटसेल्फ किसी को कोई कुछ पता नहीं होता ठीक है। ये ओनली जो है वो जो लोग एल्गोरिदम्स डिजाइन कर रहे होते हैं वो उन्हीं को पता होता है और एल्गोरिदम भी जो बेसिकली अमेजोन के डिजाइन होते हैं ना एज पर माई इन्फो वो यूँ होता है कि यूँ नहीं होता कि मतलब इसकी टीम ने एक एल्गोरिदम सेल्स का एक एल्गोरिदम डिजाइन किया मतलब कि कीवर्ड रैंकिंग का एक एल्गोरिदम डिजाइन किया ठीक है और वो इम्प्लीमेंट करवा दिया ठीक है। इस तरीके से भी नहीं होता। अब एक कीवर्ड रैंकिंग का जो एल्गोरिदम एक डिफाइन होगा ना कि लाइक कि अगर इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो ट्रिगर हो तो ये फिर इस कीवर्ड को रैंक कर देना है तो उसके जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डेवलपर्स की टीम्स जो है वो बैठी होती है वो अपने एल्गोरिदम डिफाइन करके देती है ठीक है। फिर उन सब के एल्गोरिदम को मिक्स मैच कर दिया जाता है एक बड़े एल्गोरिदम के अंदर ठीक है। वो फिर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है वो पीछे वाली टीम जो है उनको नहीं भूल जाती फिर वो उनके हाथ में वो चीज नहीं होती होती कि अच्छा जो हमने एल्गोरिदम डिजाइन किया था उसके अंदर तो ये था बट ये एक्चुअली जो नहीं हो रहा था वो क्या होता है वो अमेज़न उसको फिर एक जो मींस के उनकी हाई लेवल की टीम होगी इसके अंदर भी एक डिफरेंट लेवल्स की टीम बनी होती है ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट होता है इस तरीके से अमेज़न के अंदर तो अब नीचे वाले फिर लोगों से वो वाली इन्फॉर्मेशन बस लेके वो हाइड कर दी जाएगी। अब उनको नहीं पता कि आगे वो जो हमारा एल्गोरिथम है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है लोगों के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर अब जिस तरीके से जो है वो सीनियर टीम और ऊपर आई उसने जो है वो उस एल्गोरिथम में से फिर कोई और मेजर चेंजेस करके एक दोस्त ने फिर ऊपर वाली टीम को फॉरवर्ड कर दिया नीचे वाली टीम से डाटा गया ठीक है। अब उनको नहीं पता कि जो हमने जो चीज भेजी थी वो उसके अंदर क्या चेंजेस हुई है किस तरीके से वो बिहेव कर रही है एंड सो ऑन वो ऊपर चला गया। तो ये जो बाय बॉक्स रोटेशन है बेसिकली ये भी किसी तरीके से आपकी चल रही है कि किसी को कोई कुछ पता नहीं होता है कि किस बेस के ऊपर जो है वो हो रही है बट ये है कि एक्सपीरियंस्ड जो है वो लोग हैं और जिन लोगों ने इनके साथ काम किया वो केस स्टडीज के अकॉर्डिंग जो है वो ये उन्होंने कुछ फैक्टर्स निकाले हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए हुए हैं कि इस चीज के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली आपका बाय बॉक्स रोटेट कर सकता है ठीक है। अब जो है वो कोई आपको कहे कि नहीं इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस तरीके से रोटेट करता है ये इस तरीके से करता था सोन जो है तो बात कर रहा है वो ये कोई हकीकत आप इसको ये नहीं कह सकते सही है। इवन के जो है वो कभी आप ये जो सर सनी अली है उसको जो है वो 400 प्लस लॉन्चेस का एक्सपीरियंस है वो बंदा खुद अभी स्टडी के इन फेज में एक्सपेरिमेंटल फेज में है ठीक है। वो लोग खुद जो है वो डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अच्छा किस जो है वो वायर को कहाँ इंजेक्ट करना है तो फिर लिस्टिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है। तो यूजन से कि अगर आप कह लें कि कोई बंदा आपको अगेन वही के जो है वो कहे कि हम आपको बता सकते हैं कि किस चीज को ट्रिगर करने से अगर आप ये चेंजेस कर दें तो बाय बॉक्स हमेशा आपके पास रहेगा तो वो गलत बात होगी ठीक है इस तरीके से। अच्छा दूसरी बात ये कि यूनिट सेशन परसेंटेज बेसिकली ये होता है कि ये कन्वर्जन रेट आप इसको जिस लफ्ज में बोल रहे कि मतलब कितने लोग आए ठीक है और उनमें से कितने लोगों ने क्या किया परचेज किया। आप जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं ठीक है
अब मैं आपको जो एग्जांपल दूं, अब 100 लोग जो है वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आ गए, ठीक है। अब मतलब लिस्टिंग से स्टैंड फॉर, लिस्टिंग से मुराद होता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट का पेज, इसको हम जो है वो लिस्टिंग बोला करते होते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है वो आपको इमेजेस, उसका टाइटल एंड सो ऑन, बाकी जो चीजें नजर आती हैं, ठीक है, इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें से 100 लोग जो है वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड किए, ठीक है। उसमें से क्या हुआ कि 20 लोगों ने जो है वो कन्वर्ट हुए सेल के अंदर, ठीक है, उन्होंने सेल्स कर ली आपसे जो है वो। देन जो है वो 80 लोग जो है वो चले गए विदाउट सेल, ठीक है। तो इसमें जो है वो परसेंटेज क्या होगा, सिंपल सिंपल सी कि आपका जो कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो बेसिकली वो आपका क्या है यहाँ पर 20% है, सिंपल सिंपल, ठीक है, ये बोलते होते हैं। समझ लगी इस बात की, नहीं लगी फिर बताएं दोबारा आपको बताता हूँ। ये किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा था, उनसे भी मैंने ये बता दिया। ओके ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर सनी अली का पिछला लेक्चर तो, पिछला सेशन जो देखा था उसमें तो काफी चीजें उन्होंने बताई थी कि पाकिस्तान में जो जो इन लोगों ने अकाउंट बनाए हुए उनके लिए बड़ी आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो वाकई में जो जो चीजें थी वो बड़ी बड़ी अहम थी, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सर, जिस तरह से उन्होंने बताया सारे एक्सप्लेन। अच्छा, मैंने जो है वो ना उसका सेशन सुना और ना मुझे बताया, ठीक है। तो वो और दूसरी बात ये कि हमारे कोई अकाउंट है ही नहीं पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, तो ये बस उन्हीं का प्रॉब्लम है जिनके पास है डिटेल्स, जिनके अकाउंट जो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बने हुए हैं। इसमें नेक्स्ट सेशन जो होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, उसने अनाउंस किया कि नेक्स्ट सेशन में किस बुनियाद पे मैं जो है ना वो परसेंटेज अपने प्रोडक्ट अप्रूव करता हूँ, और किस बुनियाद पे मैं जो है ना वो सारी परसेंटेज और सारी, तो वो सब लोग जो है ना वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा वो सेशन। हाँ वो है, वो मैंने देखा है, वो मे बी वाकई हो सकता है कि जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वैल्यूएशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपके पास चीज होती है।